हिमाचल बीजेपी ने मिशन 2017 को लेकर कमर कस ली है। बिलासपुर में हिमाचल बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक हुई। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने ऐलान किया कि गुंडागर्दी और माफिया राज के खिलाफ हिमाचल बीजेपी 100 जिला स्तरीय जनसभाएं करेगी। बिलासपुर के धौलरा रेस्ट हाउस में हिमाचल बीजेपी प्रचार समिति के सदस्य जुटे। बैठक की अध्यक्षता सूबे के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। इस दौरान पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल की नाकामियों और माफिया राज के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत सूबे की जनता के बीच जाकर सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। एक विधानसभा को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, हर विधानसभा की इसके बाद अलग अलग से जनसभाएं होंगी, ताकि प्रदेश को हम माफिया मुक्त करा सके। जब तक ये माफिया हटता नहीं है, तब तक भारतीय जनता पार्टी अब चैन से बैठी है। पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आगे से कैंपेन कैसे चले, क्या हमें करना चाहिए, ये मुद्दों को लेकर अध्यक्ष ने आज बैठक बुलाई थी और उसमें प्रमुख लोग आए थे, चर्चा की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट को भांपते हुए बीजेपी खुद को तैयार करने में जुटी है। दरअसल मजबूत जनसंपर्क चुनाव में जीत की इबारत लिखता है। बीजेपी इस पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया।